जनपद फरुखाबाद में उधारी के पैसे मांगना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। यहां 20 से 25 लोगों ने एक साथ मिलकर उसके घर में हमला बोल दिया और फायरिंग की, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। जनपद फरुखाबाद में उधारी के पैसे मांगना एक युवक को भारी पड़ गया। यहां उधारी के पैसे मांगने पर दबंगों ने उसके घर पर चढ़कर फायरिंग शुरू कर दी। दबंग एकजुट होकर 20-25 लोगों के साथ आए और देर रात घर पर हमला कर दिया, जहां पथराव और जमकर फायरिंग की गई। इससे वहां पर दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया। मामला थाना कमालगंज के रेलवे रोड का है। जब वहां के रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने उधारी के पैसे मांगे तो दबंगों ने उसके घर पर हमला कर दिया और जमकर पथराव किया। क्या नाम है तुम्हारा? सौरभ। क्या घटना घटी ये रात में जो फायरिंग और पथराव हुआ? जी, हमारे पापा चाचा के पैसे थे उनके ऊपर, तो उनसे जब तगादा किया गया तो वो आके इकट्ठा सभी लोगों ने अचानक हमला कर दिया। ईंट पत्थर डंडे और टावर तोड़ फायरिंग कर दी, उसके बाद हमारा सिर फोड़ दिया। अजय, फायरिंग और पथराव करने वाले कितने लोग आए थे? ये कम से कम 30-40 लोग थे। तो किससे पैसे चाहिए थे? पैसे जिससे चाहिए वो आया नहीं था, बाद में आया। तो ये लोग कहाँ थे फायरिंग पथराव करने वाले? कटार निकला गए। तो थाने में गए थे आप? थाने में गए थे। पुलिस क्या कह रही? पुलिस ने केसेस कभी कुछ किया नहीं है और रिपोर्ट लिख ली है, हम लोग डॉक्टरी करा दी। बस डॉक्टरी करा दी, मतलब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही दबंगों के खिलाफ। क्या नाम तुम्हारा? राघव दुबे। ये रात में जो घटना हुई, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, पथराव, क्या मामला है पूरा जी? अरे, ये आलोक नाम का युवक है, कटार नगला रहता है। उसने ब्याज पर रुपए लिए थे लगभग 6,75,000 रुपए। तो समय आने पर कल हमने फोन कर उसके तगादा किया तो वह गाली गलौज करने लगा। उसके बाद हम लोग अपने घर के बाहर बैठे थे, कितने बजे करीब 30-35 लोग इकट्ठे होकर आए और ये पत्थर चला कर लाठी डंडे मारपीट करने लगे। उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की। थाने गए थे क्या? थाने गए थे, तहरीर भी दी है और हमारे तरफ से 3 लोग घायल हुए हैं, पुलिस उनका मेडिकल करा दिया, लेकिन अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ये तो क्या लग रहा है, पुलिस के सत्ता पक्ष के साथ में चल रही है क्या? बिल्कुल, राजनीतिक दबाव के चलते अभी तक किसी ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। मतलब ये फायरिंग जो करने वाले थे, कितने लोग थे और क्या इनकी संख्या होगी लमसम? करीब फायरिंग करने वाले तो 2 लोगों ने फायरिंग की है फिलहाल, उनके साथ में करीब 30-40 लोग थे जो पथराव फायरिंग कर रहे थे। लमसम कितने राउंड फायर किए होंगे? करीब उन्होंने आधा एक दर्जन फायर किए, ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे वो लोग। एक दर्जन फायरिंग की है, मतलब पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं किया कर पाई है? शायद गिरफ्तार किसी को।